सुबह की भागदौड़ में जब कुछ समझ ना आए तो हरी मटर के इस नाश्ते को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बनाने में बेहद ही आसान है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है फ्रेंड्स। अब जो हमारी ये 1 कप मटर है तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1 कच्चा आलू, तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसको भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास फ्रेश हरा धनिया था तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल दी है। अब यहाँ पे हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ढक्कन से बंद करके हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, कोई भी चंक्स आलू का ना रहे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसका बढ़िया सा हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। आप अगर लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये नाश्ता। अब थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। मिर्च कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट से कर सकते हैं, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे जार में थोड़ा सा ये बैटर लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस घोल को भी हम इसी में डाल देंगे। और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका हमें अच्छे से घोल बना के तैयार करना है। घोल ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा रनी हो और बहुत ज़्यादा ये थिक भी ना हो। हमें यहाँ पे सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना सोडे के भी ये नाश्ता हमारा एकदम फ्लफी बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद ले लेंगे हम यहाँ पे एक कढ़ाई। मैं यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तवे का, नॉन स्टिक तवा हो या फिर सिंपल वाला, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे हम ऐसे चम्मच से भर के थोड़ा सा बैटर। इसको अच्छे से फैला लेंगे, रोटी की साइज में ही हमें इसको फैलाना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे अभी कम रखा है और देख सकते हैं कुछ सेकंड के बाद ही ये एकदम ड्राई होने लगा है। तो हम किनारों पे ना थोड़ा सा यहाँ पे घी डाल देंगे। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाश्ता हमारा अच्छे से पके, तो इसलिए मैं इसको ढक्कन से कवर करके रख दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ये एक साइड से बहुत ही बढ़िया से पक जाएगा। ये देख सकते हैं 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये हमारा नाश्ता है बहुत ही अच्छे से पक चुका है एक साइड से। तो चलिए इसको हम पलट लेते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो ऐसे हल्का सा इसको हम दबा दबा के सेक लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे हम दूसरी साइड भी चम्मच से देसी घी। और इसको हम फिर से ढक्कन से कवर करके रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खुला भी बना सकते हैं, लेकिन ढक्कन से अगर कवर करके रख देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से दोनों साइड से पक जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। तो मैंने इसको दबा दबा के दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नाश्ते को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से बढ़िया से पक चुका है। तो इसको हम प्लेट में रख लेंगे। तो हमारा गर्मा गर्म हेल्दी नाश्ता, वो भी कच्ची मटर और एक आलू से, बहुत ही जल्दी से बन के तैयार है। ये देख सकते हैं दूसरी साइड से भी बढ़िया से सिका है। ये नहीं कि मैंने ऊपर से ही आपको ऐसे ही दिखा दिया, दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया से ये पक चुका है। तो चलिए एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। इसी तरीके से सेम हमें फ्लेम को कम कर देना है और थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसको रोटी की शेप में हम अच्छे से फैला लेंगे। अगर ये थोड़ा सा मोटा भी रह जाए ना तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये बहुत ही जल्दी से पक जाता है। तो किनारों पे ऐसे ही थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, ढक्कन से कवर कर देंगे। सुबह के टाइम पे जब बच्चों को लंच बनाना होता है तो मेरे साथ साथ ये हम सभी की प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आता कि बच्चों को लंच में बना के क्या दें। तो सर्दी का टाइम है, सभी के घरों में खूब सारी मटर मिल जाती है। तो मटर से इस हेल्दी नाश्ते को आप ज़रूर से ट्राई करना। आज से बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ये फेवरेट बनने वाला है नाश्ता। तो चलिए मैं इसको पलट लेती हूँ। एक बार बना के खिला देंगे ना तो हर रोज़ इसी नाश्ते को बनवाने की डिमांड करेंगे। तो हमने इसको दबा दबा के अच्छे से दोनों साइड से सेक लिया है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये खाने के लिए एकदम रेडी है। और जो बाकी का बैटर बचा हुआ है उसके भी सेम ऐसे ही गर्मा गर्म हम पराठे बना के तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मटर और कच्चे आलू का बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और इसको बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो मुझे तो यहाँ पे सब्जी वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं होती है इस नाश्ते के साथ में। आप चाहें तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खुद में ही बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा होता है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, मेरी ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।